विधानसभा क्षेत्र गन्नौर में एक महीने के अंदर अंदर 4 से 5 इतनी बड़ी बड़ी वारदात हुई है सरेआम। एक व्यापारी की दुकान में घुसकर बंदूक अड़ाकर 3-4 आदमी लूट ले जाएं और दुकान थाने से 50 मीटर की दूरी पर भी ना हो। शाम ढली नहीं है, शहर के बीच में मंडी में एक चीनी व्यापारी के ऊपर सरेआम गोलियां चलाकर उसके बच्चे के 5 साल के बच्चे के सिर में बंदूक रख के उसको लूट। जीटी रोड पर जो इतना व्यस्त है सरेआम व्यापारी को लूट लिया जाए, कत्ल हो जाए और मुलजिम पकड़े ना जाए, कब तक बर्दाश्त करेगी जनता? व्यापार बढ़ता है जब आदमी को सुरक्षा मिली। गन्नौर में स्थिति भयंकर है, भयावह है, लोग आक्रांत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जब व्यापारी मुझसे मिले और मैं व्यापारी उसके पास मिलने गया तो उनकी ये मांग उठी कि आप कुछ करिए। पुलिस ने जो जीटी रोड पर चिरस्मी के लड़के को लूटा गया उन मुलजिमों को पकड़ा, लेकिन उसके अगले दिन ही चीनी व्यापारी को पिस्तौल की नोक पर देख लिया गया, गोलियां चली वहां पर। कहां थी पुलिस? मैंने विधायक के तौर पर कानून व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 35 कैमरे शहर में लगवाए थे, लाखों रुपया अपने ग्रांट से दिया था। मैं आज पूछना चाहता हूं कहां है वो कैमरे, किसकी जिम्मेदारी है उन कैमरों को चलाना? तत्कालीन SP और DSP साहब ने खुद अब